हिलसा अनुमंडल कार्यालय में नगर परिषद इस्लामपुर के उप पार्षद के प्रत्याशी मुकेश पासवान ने कराया नामांकन। दरअसल हम आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव के आयोग के अनुसार इस्लामपुर नगर परिषद का मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं वार्ड पार्षद का चुनाव हो रहा है। वैसे में हिलसा के अनुमंडल कार्यालय में मंगलवार को काफ़ी गहमागहमी माहौल रहा और इस्लामपुर नगर परिषद के उप मुख्य पार्षद के प्रत्याशी मुकेश पासवान ने अपने समर्थकों के साथ हिलसा के अनुमंडल कार्यालय पहुँचे और अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। जैसे ही अनुमंडल कार्यालय के बाहर वह नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद निकले कि उनके समर्थकों ने उन्हें फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहले नगर पंचायत इस्लामपुर था जहां काफ़ी कुछ कमी है, वैसे में अब नगर परिषद बन गया है और काफ़ी क्षेत्र को जोड़ा गया है। अभी ऐसे कई मोहल्ले हैं जहाँ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना, नली गली योजना, कई ऐसे बिंदु है जहाँ काम करने की आवश्यकता है। वैसे में मैं सभी लोगों के साथ लेकर चलूंगा और विकास करने का काम करूंगा। आइए आप खुद सुनिए उनकी जुबानी क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश पासवान, जो कि इस्लामपुर नगर परिषद के उप मुख्य पार्षद के प्रत्याशी हैं। मुकेश पासवान जी, किस पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया हिलसा अनुमंडल कार्यालय में? उप मुख्य पार्षद के लिए चुनाव में। चुनाव अगर जीतते हैं तो इस्लामपुर नगर परिषद के लिए क्या बनाएंगे, कितना बेहतर बनाएंगे? देखिए, जनता का सबसे पहले तो विश्वास जीतना है, जनता के लिए काम करना है, जनता के लिए लड़ना है। अब जनता हम पे विश्वास करती है तो इस्लामपुर का विकास होगा। 26 वार्ड है आपके यहाँ और सरकार की नल जल योजना है, सड़क है, कई योजनाएं हैं, देखिए जो धरातल पर नहीं उतरती है। इस्लामपुर के धरातल पे जैसा भी देख रहे हैं हाल फिलहाल में, बहुत सारे जैसे नल जल योजना की बात करते हैं, 400 कुछ रुपए का बिल होता है, बहुत सारे घरों में घूला में और बहुत सारे घर में गया तो देखा कि बिल तो उनका जा रहा है लेकिन उनके तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है। तो हमारा प्राथमिकता होगा सबसे पहले नल जल की। क्या नाम हुआ सर आपका? मुकेश पासवान। मुकेश पासवान जी, किस पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया हिलसा अनुमंडल कार्यालय में? उप मुख्य पार्षद के लिए चुनाव में। चुनाव अगर जीतते हैं तो इस्लामपुर नगर परिषद के लिए क्या बनाएंगे, कितना बेहतर बनाएंगे? देखिए, जनता का सबसे पहले तो विश्वास जीतना है, जनता के लिए काम करना है, जनता के लिए लड़ना है। अब जनता हम पे विश्वास करती है तो इस्लामपुर का विकास होगा। 26 वार्ड है आपके यहाँ और सरकार की नल जल योजना है, सड़क है, कई योजनाएं हैं, देखिए जो धरातल पर नहीं उतरती है। इस्लामपुर के धरातल पे जैसा भी देख रहे हैं हाल फिलहाल में, बहुत सारे जैसे नल जल योजना की बात करते हैं, 400 कुछ रुपए का बिल होता है, बहुत सारे घरों में घूला में और बहुत सारे घर में गया तो देखा कि बिल तो उनका जा रहा है लेकिन उनके तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है। तो हमारा प्राथमिकता होगा सबसे पहले नल जल की।